आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहे निष्पक्ष निडर बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भारत कभी गांवों का देश कहलाता रहा है, यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर रही है। आए दिन कुछ न कुछ त्योहारों के मनाए जाने का सिलसिला जारी रहता है। प्रत्येक त्योहार स्वयं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। चारों ओर हरियाली, खेत खलियान समृद्धि को दर्शाते हुए आनंद विभोर करते रहे हैं। लेकिन गांवों का पूर्ण रूपेण विकास न होने के कारण विगत कुछ वर्षों से लोगों ने शहरों की ओर बहुतायत से पलायन कर दिया है। गांवों में सुकून देने वाले घर होने के बावजूद शहरों में छोटी सी जगह पर जीवन यापन करने के कारण मनुष्य कितनी तरह की जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है कि किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। शहरों में निरंतर बढ़ती आबादी के कारण, पर्यावरण असंतुलन के कारण हर प्राणी जहरीली सांसों को हलक में उतारने के लिए विवश है। 2020 की कोरोना महामारी ने अच्छा सबक सिखा दिया है कि विकास की अंतिम दौड़ में शामिल होने से क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इंसान अच्छी तरह समझ ले। अपने प्रियजनों को खोने के बाद लोगों का रुझान अपनी पुरानी विरासत की ओर बढ़ा है। लोगों ने वीरान हुए गांवों में अपनी बंद पड़ी हवेलियों की सुध लेनी शुरू की है। शहरों में केमिकल से निर्मित फलों और सब्जियों की जगह अपने गांवों में पैदा होने वाले पौष्टिकता से भरपूर स्वादिष्ट फलों और सब्जियों का सेवन कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब हम केवल एक दिन पौधे के साथ तस्वीर खिंचवाने के बजाय हर दिन हरेला पर्व मनाएं। जो पौधा रोपण हुआ है उसके निरंतर देखभाल करें। यदि स्वयं सक्षम नहीं है तो किसी और को उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपें। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड देहरादून विष्णु विहार में आम और बेल के वृक्ष, जो आज से 13 साल पहले समाजसेवी साहित्यकार प्रकृति प्रेमी माधुरी तिवारी भट्ट द्वारा पटना बिहार से ले जाकर विष्णु विहार देहरादून में लगाया गया था। इन पौधों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करने का श्रेय आदरणीय ओम प्रकाश डोभाल जी के साथ श्रीमती मंजू डोभाल जी और श्रीमती कमला सजवान जी को जाता है। आज ये हरे भरे वृक्ष अपनी पत्तियों और फलों से ईश्वर की आराधना के साथ साथ लोगों को तृप्ति प्रदान कर रहे हैं। गाँव के चौमुखी विकास की ओर यदि सरकार ध्यान देगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि माँ भारती की आत्मा तो गाँवों में ही बसती है। विष्णु विहार देहरादून उत्तराखंड से रेणु रावत और सुमन सुमीर राणा की रिपोर्ट के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट।